हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जानकारी लेंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं? ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर वो उसका पूरा पूरी डिवाइजर होता है। वो उस नंबर फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर को पूरा पूरी डिवाइड कर दे, नंबर को डिवाइड करता है फैक्टर, उस नंबर को पूरा पूरी कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। मल्टीपल, मल्टीपल हम उसको कहते हैं, नंबर इज सेट टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए 15 को हम लोग 1 × 15 लिखे हैं और 15 को 3 × 5, ये दर्शाता है, ये बताता है कि सारे ये 1, 3, 5 और 15 एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। 15 को पूरा पूरी उसको डिवाइड कर देते हैं, पूरा पूरी कट जाते हैं, इसलिए हम लोग 15 का फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5 और 15। वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन हर नंबर का फैक्टर है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स के प्रकार। सबसे पहले इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर हम उस नंबर ऑल मल्टीपल्स ऑफ टू, टू के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इवन नंबर्स की जानकारी के लिए कैसे हम पहचानेंगे कि कौन इवन है? तो इवन नंबर उसको कहते हैं जिसके वंस प्लेस पर, इकाई के जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। ऑड नंबर जिसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वे नंबर्स जो टू से के मल्टीपल्स नहीं हैं, जिनके वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, उनको हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं, ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली वन एंड इट्सेल्फ। प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और एक वह खुद, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। जैसे टू का फैक्टर केवल वन और टू हो गया, थ्री का फैक्टर केवल वन और थ्री हो गया, 5 का फैक्टर केवल 1 और 5 हो गया, 7 का फैक्टर केवल 1 और 7 हो गया, 11 का फैक्टर केवल 1 और 11 हो गया। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। वे नंबर्स जिसके दो से अधिक फैक्टर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 4 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 का फैक्टर 1, 2, 3, 6, 6, 1 के भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बताते हैं आपको। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो कि न प्राइम है न ही कंपोजिट है। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, नहीं तो और बाकी जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स वो सारे ऑड होते हैं, और 2 को हम लोग लोवेस्ट प्राइम नंबर भी कहते हैं। उसके बाद है ट्विन प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स।
दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, दो लगातार प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम्स कहते हैं, जैसे 3 और 5, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, ये दोनों प्राइम भी है और और कंसेक्यूटिव भी है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, और आज मैं आपको डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 4, 5 और 6 के बारे में बताऊंगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स वंस डिजिट आर 0, 2, 4, 6 और 8। बिना डिवाइड किए हुए कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर उस नंबर से पूरा पूरे डिविजिबल है? तो सबसे पहले 2 के से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? जिसके वंस प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह 2 से पूरा पूरी डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए 30, 52, 84, 136, 2108। जैसे आप देख सकते हैं इन सारे नंबर्स के वंस प्लेस पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर बाय 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ इट्स इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। वो नंबर 3 से डिविजिबल है अगर उसके डिजिट्स का जोड़ 3 से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे आप देख सकते हैं 64,275। इन सारे डिजिट्स को जब हम जोड़ते हैं तो 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 आता है 24। 24 3 से पूरा पूरी डिविजिबल है, 24 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। उसी प्रकार टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है अगर नंबर फाउंड बाय इट्स डिजिट्स इन टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। जैसे समझने के लिए 96,852, यहाँ इस नंबर के वंस प्लेस पर 2 है और टेंस के प्लेस पर 5 है, ये दोनों मिलके हो गया 52। 52 4 से पूरा पूरी डिविजिबल है, इसलिए ये बड़ा नंबर 96,852 पूरा पूरी 4 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 5। वो नंबर 5 से डिविजिबल है जिसके वंस डिजिट पर या तो 0 होता है नहीं तो 5 होता है। जिस नंबर के वंस प्लेस पर 5 या 0 हो वह 5 से पूरा पूरी डिविजिबल होता है। और डिविजिबिलिटी बाय 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिज इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 एंड 3। जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले 2 और 3 का डिविजिबिलिटी, अगर जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो वो 6 से डिविजिबल होगा। 2 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। और जानने के लिए 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 होते हैं और 3 होते हैं। धन्यवाद। मैंने कोशिश किया है कि आप सबको कुछ समझाने की जहाँ तक संभव है, और आगे मैं आपसे फिर जुड़ूंगा और बाकी डिविजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।